यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत समेत कई देशों के नागरिक और छात्र वहां फंसे हुए हैं और सुरक्षित वतन वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। भारत सरकार अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की इस कोशिश से न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तान के छात्रों को भी मदद मिल रही है। दरअसल भारतीय नागरिक तिरंगा झंडा हाथ में लेकर यूक्रेन में लगी सीमाओं पर सुरक्षित तरीके से पहुंच रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान के छात्र भी तिरंगा लेकर सुरक्षित तरीके से यूक्रेन से बाहर आ रहे हैं। बाहर से जो परिवार तो हर दिन न्यूज़ देखता था, रिश्तेदार फोन करते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बीच में तीन वहाँ पे तो क्योंकि चार्जर नहीं था कुछ नहीं था, बीच में मेरा फोन डेड हो गया था। परिवार वाले को तो और ज्यादा दिक्कत हो गई थी, क्या हो गया क्या नहीं, फोन डेड हो गया। वहाँ पे मेरा फोन गिर गया था, इतनी धक्का मुक्की हो रही थी कि मेरा फोन वहाँ पे टूट गया था नीचे। परिवार वालों को फिर मैंने दोस्तों से फोन लेके कहीं वहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर पे नेटवर्क भी नहीं आते हैं, आपका जो सिम है आपका सिम भी नहीं चलेगा वहाँ पे, ढंग से नेटवर्क ही नहीं आएंगे। बॉर्डर पे पता नहीं जैमर्स लगा रखे होते हैं क्या, तो आप घर पे भी बात नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, या तो बॉर्डर क्रॉस करके बात करो या फिर बॉर्डर से पहले 5 किलोमीटर पहले जाओ तब नेटवर्क आएंगे। तो घर वाले तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे उस टाइम। आखिरी इंडिया में पहुँचते ही, रोमानिया में पहुँचते ही मैंने घर वालों को बताया कि मैं सही सलामत पहुँच गया हूँ, आप टेंशन मत लो। तब जाके घर वालों ने रात की सांस ली। किस सुविधा में कोई कमी नहीं रही, सरकार ने अच्छे से ख्याल रखा है बच्चों का, और बॉर्डर पे खाना भी प्रोवाइड किया है, चाय, क्योंकि रात के टाइम पे बॉर्डर क्रॉस किया था मैंने तो चाय मिली थी खाने में, मतलब पिज्ज़ा भी रोमानिया की गवर्नमेंट थी जो उन्होंने पिज्ज़ा बर्गर सब मतलब वहाँ के कैंप में सब कुछ प्रोवाइड कर रखा था। यूक्रेन से भारत लौटे इंडियन स्टूडेंट आशीष ने बताया कि भारतीय ध्वज तिरंगे की मदद से हम और कुछ पाकिस्तानी छात्र भी सुरक्षित तरीके से अपने मुल्क लौटे हैं। आशीष ने बताया है कि भारतीय नागरिक होने पर और हाथ में तिरंगा लेकर चलने पर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। डर की बात तो ऐसी है, डर वॉर के टाइम पे किसको डर नहीं लगेगा, सबको डर लगेगा। और जब हम वहाँ पे गए तो ऐसा तो होता है कि किंडरगार्टन के बच्चों को तो हम बता देते हैं कि लाइन में लगो, अब वहाँ पे वॉर की सिचुएशन है तो लाइन में तो लगा नहीं जाएगा, सब हड़कंप में जाएंगे। 5-6 बार तो बैरिकेड्स को तोड़ दिया था जितने स्टूडेंट्स थे उन्होंने रोमानिया के, उस चक्कर में लोग हड़कंप हो गया था पूरा। और जो यूक्रेन की जो मिलिट्री थी उन्होंने हवा में फायरिंग कर दी थी, 1-2 बार फायरिंग करी थी, बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे। पेपर स्प्रे कर दिया था हवा में, पेपर स्प्रे हवा में करोगे तो आँखों में भी आएगा, नाक में भी जाएगा, पूरी मिर्ची लगेगी, पूरा लाल मिर्च होता है पेपर स्प्रे, तो वो कर दिया था, बच्चे पूरा डर गए थे उस टाइम पे। और फिर पेपर स्प्रे के बाद हवा में फायरिंग हुई, 1-2 बार तो फायरिंग हुई तो बहुत ज़्यादा डर गए। उसके बाद तो बच्चों को क्या है, फायरिंग की तो कोई फिक्र ही नहीं, हमको तो बॉर्डर क्रॉस करना है, उसके बाद तो चाहे 20 फायरिंग करो हमें डर नहीं लगा, हमें तो सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने से मतलब था। छात्र आशीष ने बताया कि पहले वहाँ फायरिंग हुई जिसकी वजह से सभी बच्चे दहशत में आ गए थे, लेकिन बार बार फायर होने के बाद उनका डर खत्म हो गया और उन्होंने बॉर्डर पार करने की ठान ली और फायरिंग की चिंता किए बगैर आगे बढ़ते रहे। रेवाड़ी से मोहिंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।